प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ विषय विज्ञान अध्याय आठ जो हमारा है वो फिजिक्स का सेक्शन है, उस चैप्टर का नाम है गति। तो अब गति में जो है कि इसमें अलग अलग टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पढ़ेंगे कि गति क्या है, मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो गति के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दिया है कि किसी भी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिया कि कोई एक पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई वस्तु ए है, तो यह टी समय में या बी पोजीशन पे यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इसको टी समय लगता है, अर्थात यह पोजीशन फर्स्ट ए है और यहाँ पे पोजीशन बी क्या है, सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं कि यह किस पोजीशन में है, तो हम कहेंगे यह मोशन की पोजीशन में है, अर्थात यह किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे कि गति की अवस्थाएं कितनी है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रहा है कि वह गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम किस कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले हेडिंग में पढ़ेंगे कि गति की अवस्थाएं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि गति की दो अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं। तो हमारा सबसे पहला जो अवस्था है वह क्या है, विरामावस्था। क्या है, विरामावस्था। तो विरामावस्था हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति का मतलब स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपोज दैट यहाँ पर अगर कोई वस्तु ये है, इस पॉइंट पे है, अगर यह इसी पोजीशन पे है, अर्थात इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं तो वस्तु की यह अवस्था क्या कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है। ठीक है, यह उपरोक्त एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ए पॉइंट है यहाँ पर स्थिर है, तो इसकी जो अवस्था होती है गति की, हम कहेंगे वह क्या है, विरामावस्था है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले हम यहाँ पे, तो दिखा है कि मेज पर रखी कोई पुस्तक। ठीक है, सपोज दैट कि अगर मेज पर कोई वस्तु रखा गया है, अगर वह रेस्ट पोजीशन में है, अर्थात समय के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम उस अवस्था को क्या करेंगे, विरामावस्था करेंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड नंबर है वह क्या है, गतिमान अवस्था। ठीक है, गतिमान अवस्था में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति का मतलब स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है। यदि कोई वस्तु है, अगर उसकी स्थिति में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वस्तु की यह अवस्था जो हमारी होगी वह क्या कहलाएगी, गतिमान अवस्था कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, तो दिया रहा है कि सड़क पर वाहनों की गति। आप लोगों ने सड़क पर बहुत से वाहनों को देखा होगा, अगर वह मोशन के स्टेट में है, उनकी जो अवस्था होगी वह क्या होगी, गतिमान अवस्था क्या करे कहलाएगी। लेकिन अगर वही सड़क पर अगर कोई वाहन है, अगर स्थिर अवस्था में है, तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, विरामावस्था में हो जाएगी। अगर वह वाहन चल दिया है, अगर गति के स्टेट में है, तो उसकी अवस्था को हम क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था कहेंगे। ठीक है, या अगर उपरोक्त एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, अगर यह पॉइंट ए है और वस्तु यहाँ पर है, अगर टी समय में यह गति करके बी पोजीशन पे आ जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही पॉइंट पर अगर वस्तु यहीं पर स्थिर रह रही है, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, निर्देश बिंदु, या कहेंगे क्या, मूल बिंदु। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसके जो यह हेडिंग है इससे क्लियर होता है कि निर्देश का मतलब क्या होता है, जानकारी देना। ठीक है, और बिंदु का मतलब कोई पॉइंट। ठीक है, या मूल बिंदु यहाँ पे दिया। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कह रहा है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है,
उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पे दिया कि एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यह जो अक्ष हमारा दिखा रहा है एक्स अक्ष है, और जो ऊपर दिखा रहा है वाई अक्ष है, और जो थर्ड पोजिशन में हुआ क्या है जेड अक्ष है। तो अगर कोई वस्तु जो है अगर यक्ष अक्ष में गति कर रहा है तो जो बिंदु जिस बिंदु के सापेक्ष हम गति दिखाएंगे तो वह जो हमारा होगा वह क्या होगा मूल बिंदु होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा क्या है मूल बिंदु है, और इसके सापेक्ष हम जिसकी गति को दिखाएंगे तो वही हमारा क्या होगा मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है यहीं पर स्टॉप होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे सरल रेखी गति के बारे में, उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे कि गति के कितने प्रकार हैं। हमने पढ़ा आज की गति और गति की जो अवस्थाएं होती है वह कितने रूपों में पाई जाती हैं और मूल बिंदु क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगला जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें हम बताएंगे कि सरल रेखी गति क्या होती है।